क्या आप अपने घर में टाइल लगवा रहे हैं? नए नए घर में बाथरूम में बड़ी अच्छे अच्छे डिजाइन वाली अच्छी बड़ी बड़ी टाइलें लगवाने चाह रहे हैं, फ्लोर के अंदर काफी सारी शाइनिंग वाली बढ़िया चमकदार टाइलें लगवा रहे हैं, तो टाइलें लगवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि किस चीज से लगवाएं कि उनकी टाइलों की मजबूती रहे, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी साइज की भी टाइलें अवेलेबल है और छोटी साइज की भी टाइलें अवेलेबल है। अगर हमें जो पसंद आती है वो थोड़ी बड़ी साइज की टाइल है तो क्या वो सीमेंट से चिपकेगी, क्या वो मजबूत रहेगी? तो यही कंफ्यूजन रहता है कि कौन से सीमेंट से हम टाइलें लगाएं जिससे कि जो टाइल लगे वो बड़ी मजबूती से लगे और जब हम नहा रहे हो तो टाइल हमारे ऊपर ना आके गिरे। तो यही सोच के लोग सर्च करते हैं कि कौन सा सीमेंट हम टाइल लगाने के लिए काम में लें। तो आज मैं उसी क्वेश्चन का जवाब जवाब देने वाला हूँ कि हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना चाहिए। मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि टाइल लगाने के लिए हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना चाहिए। शुरू शुरू में जब टाइलें आई थी तो वो बड़ी सिंपल सी साइज की होती थी, छोटी सी 2x1 की बड़ी पतली पतली लंबी लंबी टाइलें लगाते थे। तो जनरली जब छोटी टाइलें होती है तो हम PPC सीमेंट से उसको लगाते हैं और वो चिपक जाती है आराम से। लेकिन आजकल जैसे इंजीनियर और आर्किटेक्ट आते हैं तो साइट पे वो रेगुलर टाइल को ज़्यादा कम प्रेफर करके अच्छी टाइलों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो अच्छी टाइलें होती हैं वो बड़ी बड़ी टाइलें आती हैं, डिजाइनर टाइलें होती हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी 2x4 की टाइलें भी होती हैं। तो उसको लगाने के लिए नॉर्मल PPC सीमेंट की जगह हम एक्स्ट्रा आइटम लगाते हैं जो केमिकल एडेसिव या टाइल एडेसिव कह सकते हैं। तो जब छोटी टाइलें होती हैं तो नॉर्मल सीमेंट काम में लेंगे और जो बड़ी टाइलें होंगी तो हमें टाइल एडेसिव काम में लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल टाइल के बारे में, उसके बाद में आपको केमिकल एडेसिव टाइल के। नॉर्मली जहां छोटे से कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर समझो कि बल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन है, जहां बाथरूम में सिंपल टाइल लगती है या फिर हॉस्टल वगैरह होते हैं जहां पे सिंपल सिंपल टाइलें लगनी है, वहां पे हम नॉर्मली PPC सीमेंट का ज्यादा यूज करते हैं टाइल को लगाने के लिए। तो टाइल लगाने के लिए मोस्टली सबसे प्रेफर्ड ब्रांड है PPC सीमेंट। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या टाइल की साइज अगर बड़ी है तो हम वहां OPC सीमेंट भी काम में ले सकते हैं, या टाइल में ज्यादा डिजाइनिंग हो तो OPC सीमेंट काम में ले सकते हैं जिससे वो टाइल जल्दी चिपकेगी और डिजाइन भी मजबूत अच्छे से होगी। तो मैं आपको टॉप 5 PPC सीमेंट की कंपनियां बता देता हूं जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हमारे एरिया में चलती है। ये मेरा व्यू है, ये 5 कंपनियां हमारे यहाँ ज्यादा चलती है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके वहां पे कुछ और कंपनियां चलती हो, लेकिन टॉप 5 कंपनियां नेशनल लेवल पे ज्यादातर यही है जो मैंने रिसर्च किया है, जिसमें से सबसे पहली कंपनी है अल्ट्राटेक, जो मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है। उसके बाद नंबर आता है अंबुजा सीमेंट का, उसके बाद आता है डालमिया सीमेंट, फिर चौथा आता है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट जो चेन्नई सुपर किंग्स का स्पॉन्सर भी है, वही सीमेंट सबसे 4th नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया में। और उसके बाद JK सीमेंट है, उसके बाद श्री सीमेंट है, डालमिया भारत का सीमेंट है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो बहुत हिट लिस्ट में है, टॉप 10 में आती है। तो लेकिन जो टॉप 5 कंपनियां हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, डालमिया सीमेंट, श्री सीमेंट, JK सुपर, ये सारी कंपनियां हैं जो टॉप 5 में आती है। तो ये तो बात हुई नॉर्मल टाइल की, हमें किस तरीके से लगाना है। अब जब आप बड़ी टाइलें काम में ले रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी टाइलें काम में ले रहे हैं, अच्छा बाथरूम बनवा रहे हैं, एकदम हाईलाइटर बाथरूम बनवा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे टाइल एडेसिव ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इंजीनियर्स भी काफ़ी रिकमेंड करते हैं, डीलर भी होते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप टाइल एडेसिव काम में लें जिससे आपके टाइल की मजबूती बढ़ेगी और टाइल की चिपकने की उम्र अच्छी रहेगी। तो वो अच्छी बात भी है क्योंकि बड़ी टाइलें होती हैं, उनको मजबूती ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए हम टाइल एडेसिव काम में लेते हैं। अब टाइल एडेसिव क्या है? टाइल एडेसिव कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक जो हमारे यहाँ पे जो कारीगर आता है या फिर जो काम करने वाला कड़िया मजदूर होता है, वो यहाँ आके जो हमारे साइट पे जो आके मसाला बनाता है, जो बजरी और सीमेंट का जो रेशियो मिक्स करता है, वही स्टैंडर्ड कंपनी का डिफाइंड ऑलरेडी मटेरियल होता है। बजरी और सीमेंट का मिक्सर पहले से बनाया हुआ कंपनी अपने हिसाब से रिलीज करती है कि अगर आप 8x4 की टाइल ले रहे हैं तो ये वाला बजरी मिक्स बना मसाला इस तरीके से लगाएं। अगर आप छोटी टाइल ले रहे हैं 2x4 की या फिर 1x2 की, तो आपको कौन सा केमिकल काम में लेना है, तो इससे ज़्यादा मजबूती आपको अच्छे से मिलेगी। तो वही प्री डिफाइंड जो होता है टाइल एडेसिव कहलाता है, उसको टाइल एडेसिव बोलते हैं। अब टाइल एडेसिव की कौन सी कंपनियां हैं, तो मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज करते हुए नहीं करते हुए मैं आपको टॉप 5 कंपनीज के नाम गिनवा देता हूँ। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे कंपिटेटिव ब्रांड है, जितनी भी टाइल कंपनियां हैं उनकी एक तो पहले से टाइल एडेसिव आते हैं, इसके अलावा जो पेंट कंपनियां हैं वो टाइल एडेसिव में बहुत अच्छा डोमिनेंट मार्केट बना के बैठी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ एशियन पेंट्स का है। और उसके बाद आती है पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो पिडिलाइट इंडस्ट्री फेविकॉल और जो डॉक्टर फिक्सिट का ब्रांड है वो चलाने वाली कंपनी है पिडिलाइट। उसके बाद K2 केमिकल्स, उसके बाद अल्ट्राटेक, और इसके बाद एस्ट्रल पाइप्स, एस्ट्रल जिसके पाइप्स आते हैं, एस्ट्रल कंपनी के भी टाइल एडेसिव आती है। तो जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो है एशियन पेंट्स टाइल एडेसिव, एस्ट्रल टाइल एडेसिव, K2 का टाइल एडेसिव,
निपॉन पेंट्स का वोल्ट्रॉन करके एक सीरीज आती है, वोल्ट्रॉन भी सेम काम करता है, निपॉन वोल्ट्रॉन भी अच्छी कंपनी है। अल्ट्राटेक ने अपने टाइल एडेसिव निकाल रखा है, अल्ट्राटेक टाइल एडेसिव जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रॉफ करके कंपनी आती है पिडिलाइट की तरफ से, वो भी टाइल एडेसिव निकालती है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पिडिलाइट वैसे ही मानी जानी मानी कंपनी है, फेविकॉल की वजह से चिपकाने के काम में बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये है टॉप 5 कंपनियां जो जनरली टाइल एडेसिव बनाती है। इसके अलावा K2 केमिकल भी आते हैं, अल्ट्राटेक, अंबुजा और बड़ी कंपनियां जो है एशियन पेंट्स, निपॉन, इन सबका भी अपना अपना एक टाइल एडेसिव है। और AGL टाइल का भी, जो AGL टाइल कंपनी है उसका भी एक टाइल एडेसिव आता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सारी टॉप टॉप कंपनियां हैं जो अपने अपने टाइल एडेसिव निकालती हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि टाइल एडेसिव सोच समझ के लें, जिस कंपनी की आप टाइल लगाएं उस कंपनी का आप टाइल एडेसिव लेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड कंपनी चाहिए तो मैंने आपको टॉप 5 कंपनियां बता दी है, अल्ट्राटेक, रॉफ, K2, ये सब हमारे यहाँ काफी चलती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी आपके वहाँ पे कुछ अच्छी कंपनियां भी हो, कुछ खराब कंपनियां भी, तो आप सोच समझ के मार्केट रिसर्च करके लें। तो ये आज का हमारा सारा टॉपिक था कि टाइल लगाने के लिए हमें कौन सा सीमेंट काम में लें या फिर कौन सा एडेसिव काम में लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपका सारा कन्फ्यूजन आज दूर कर दिया होगा कि टाइल लगाने के लिए हमें कौन सा सीमेंट काम में लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जिसको इसकी जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आप कौन सा टाइल एडेसिव काम में लेने वाले हैं।